ओम शांति। तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, हिसाब किताब यहां से चुकता होता है, कर्म का भोग भोग कर छूटना है और बाप की याद में रहना है। अब कल भी बाबा ने कहा था, कोई व्याधि आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, रोना नहीं है। कल ही बाबा ने कहा, अच्छा है तुम्हारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा, लेटेस्ट लेटेस्ट महावाक्यों पे नहीं चल पाएंगे, तो पुराने तो याद ही नहीं है किसी को। आज की आज में भी भगवान ने क्या कहा है, अगर वो भी याद रह जाए और उसके हिसाब से अगर आप अपना आज बिता लो तो वो भी बहुत बड़ी बात है। कोई ये सोचे कि मैं तो अव्यक्त मुरलियां पढ़ लूं, पूरी इतनी मुरलियां पढ़ के मेरे पास नोट्स हैं, वो नोट्स किसके लिए हैं? डायरी के लिए, कापियों के लिए, किताबों के लिए, किसके लिए हैं? स्वयं प्रैक्टिकल करने के लिए होते हैं, वो तो कर ही नहीं रहे तो फिर ताकत कहां से आएगी? हर चीज की ताकत तभी मिलती है जब उसको यूज करेंगे, ऐसे तो नहीं मिलने वाली ना। कोई भी समस्या आई है, माना शारीरिक समस्या आई है, तो इसमें रोना क्या है? रोना माना अपना संतुलन कितना खोया हुआ, माना क्या हमने जमा किया, ये सब निशानियां हैं। हम भूल जाते हैं कि जितनी हम तपस्या करेंगे उससे आगे जाके मिलना होता है। आज आपने तपस्या की, आज ही थोड़ा मिल जाएगा। आप 3 दिन अच्छे से योग करो, आपको 4th दिन मिलेगा। पहले दिन तो आपको नशा चढ़ता है, हाँ हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन योग करने की ताकत आपको 4th दिन फील होती है कि हाँ। अब जब 4th दिन आता है तो आपकी बुद्धि ऑटोमेटिकली खींचती है योग की तरफ, तो ये ताकत ही तो है। तो ये सब करना पड़ता है, अभ्यास करोगे तो ही तो फल पाओगे। अब ये सोच लें कि हाँ भाई बीमारी ऐसी है, बीमारी ऐसी, और साथ में रोए भी जा रहे हैं, माना फेल हो गए, तो क्या हमने कमाया? शरीर में कोई भी समस्या आती है, शरीर की वजह से रोए तो माना फेल हो गए। फेल हो गए कि नहीं हो गए? बाबा ने तो कल कितने अच्छे से महावाक्यों में सुनाया, अच्छा है, खुशी की बात है, खुश हो जाओ तुम, कोई बीमारी आई तो। माना समस्या माना शरीर के साथ तो आनी ही है, ये तो पक्का बता है ना। अब उसको लेना कैसे है, ये आपके कर्म है, कैसे लेते हो आप उसको, यही तो आपका कर्म है। और कौन लिखने आएगा कि हाँ भी तुम ऐसे लो, तुम ऐसे लो? फिर कह देते हैं भगवान ही सुख दुख दे रहा है। भगवान कैसे दे रहा है? तुम्हारी सोच तो तुमने चलाई ना, इस कर्म के ऊपर तुमने क्या महसूस करना है, अच्छा बुरा, क्या क्या चलाना है, कौन से संकल्प चलाने, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा ना। इसमें भगवान ने थोड़ा बैठ के चलवाए कि हाँ भी तुम तो नेगेटिव ही सोचना, क्योंकि तुम्हारा पद नहीं है ज्यादा, नेगेटिव ही सोचो। भगवान ने थोड़ा बैठ के चलवाए, तो दोष सीधा मर जाते हैं भगवान के ऊपर। उसे समझिए कि हर अपने कर्म का ही फल पा रहे हैं, अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो। कल बाबा ने कितना अच्छे से समझाया, तो क्या हो गया? कुछ नहीं होता, हो भी गया तो भी अच्छा, ये तक बताया कि तुम्हें खुश हो जाना चाहिए अगर कोई बीमारी आ गई तो। कर्म का भोग भोग कर छूटना है और बाप की याद में रहना है। वास्तव में बच्चों को याद करना है एक बाप को ही है। देहधारी को याद किया तो वह टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, ओम शांति।